हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाली और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियोस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आईलाइनर कितने तरीकों से लगा सकते हो और किस किस टाइप से लगा सकते हो, कौन कौन से इजी ट्रिक हैं आईलाइनर लगाने के। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकेंड चैनल है सिलाई से रिलेटेड छोटी छोटी बारीकियाँ बिल्कुल क्लियर करती हूँ। फ्रंट कैमरा में से उल्टा दिख रहा है, बैक कैमरे से बनाती हूँ तो बहुत प्यारा दिखता है। तो आप सेकंड चैनल पे जरूर जाएगा, सेकंड चैनल का नाम है प्रीति वाली 2, जिससे सिलाई से रिलेटेड अमेजिंग वीडियो आपको डे बाई डे मिलते रहते हैं। ये वाली रिक्वेस्ट आई थी मुझे 45 इंचेस कट लाउंज की बारीकियाँ समझाइए मैम, तो मैंने बता दिया, तो आप भी जाके देख सकते हो। तो चलिए इस चैनल पे क्या बताने वाली हूँ, लाइनर लगाने के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट तरीका क्या होगा लाइनर लगाने का, वो है क्योंकि कल था रक्षाबंधन तो बहुत सारे लोग आए थे मेकअप के लिए, तो सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है बट मैंने ढूंढ लिया। तो चलिए फर्स्ट जो तरीका है लाइनर लगाने का वो होता है बिल्कुल इजी तरीका बता रही हूँ आपको क्या करना है। फर्स्ट तरीके में ये जो हमारा आईज का कट लाइन है, यहाँ से आपको एक विंग्स बनानी है, ओके। और आपको ये वाला जो हमारा आईलिड होती है यहाँ से ले जाके इस विंग्स में मिला देना है, ओके। कुछ इस तरीके से पतली सी विंग्स बनानी है और बिल्कुल पतले में आपको इनर कॉर्नर तक लेके आना है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। आपको इनर कॉर्नर से कुछ इस तरीके से विंग्स को निकालना है और बिल्कुल पतली सी लाइन ले जाके अपने लाइनर में मिक्स कर देना है, ओके। मेरा माइक हो चुका है ऑफ एंड मैं माइक को निकाल दे रही हूँ और आपको बिना माइक के बताती हूँ, सॉरी, ओके। तो इस तरीके से आपको ये हमारा पहला तरीका है लाइनर लगाने का, ये कट लाइन से विंग्स बनाइए, विंग्स को अच्छे से बनाइए क्योंकि आई लाइनर का लुक विंग्स पे ही डिपेंड करता है, अलग अलग तरीकों के विंग्स पे। फ्रंट से आपको यही करना है, यहाँ से इस तरीके से एक पतली सी लाइन लेके जानी है, बैक वाले विंग्स में मिक्स कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड जब लाइनर लगाना है तो आपका जो लो वाटर लाइन है यहाँ से आपको विंग्स बनानी है। इसमें हमने क्या किया था, जो हमारी कट लाइन है यहाँ से बनाई थी, ओके। लेकिन सेकंड जो तरीका है उसमें आपको लो वाटर लाइन से लेके जाना है एंड अपर वाटर लाइन पे कुछ इस तरीके से मिला देना है, ध्यान से देखिए कुछ इस तरीके से। और इसमें हमारा क्या था, कट लाइन से गया था, इसमें हमारा लो वाटर लाइन से गया है, ओके। अब इसको फिल कर देना है, अच्छे से विंग्स को निकाल लेना है, वाओ। अब आपको फ्रंट में वही तरीका करना है जो मैंने फर्स्ट वाले आईलाइनर टिप्स में बताया था, ये जरूर करना है। इससे क्या होता है कि जो आपकी जो लाइनर है वो बिल्कुल लगता है कि किसी प्रोफेशनल ने लगाया है, और ऐसे ले जाके मिक्स कर देना है। ओके, तो नीचे में भी आपको लो वाटर लाइन का जो हेयर होता है हमारा उसके नीचे से
मिक्स करते हुए लेके जाना है और इनर कॉर्नर तक मिला देना है। तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। ओके, इसमें भी आप चाहो तो मिला सकते हो इस तरीके से। लो वाटर लाइन का जो हेयर है जस्ट उसके नीचे से। अगर आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको कौन सा लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे क्या होता है कि आपकी आइज़ जो होती है थोड़ी बड़ी दिखती है, और अगर आपको और अपनी आइज़ को बड़ा दिखाना है तो आप क्या करोगे, आप वाइट काजल अप्लाई करोगे लो वाटर लाइन के अंदर। इससे क्या होगा, आपकी आइज भी बड़ी देखेंगी एंड आपका काजल जो है वो फैलेगा नहीं, क्योंकि हमने नीचे लाइनर का एक लाइन बना दिया है। एंड अगर आपकी आइज पहले से ही बड़ी है तो आप इसमें ब्लैक काजल अप्लाई कीजिए, और ब्लैक काजल अक्सर हमने देखा है कि फैल जाता है, लेकिन आपने इस तरीके से लाइनर लगा दिया है उसके बाद आप ब्लैक काजल अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो लाइनर काजल है वो बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। ये तो हो गया दो तरीके, इजी तरीके लाइनर लगाने के। अब बताते हैं तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में आपको क्या करना है, पहले मैं ईयरिंग्स हटा लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। तो तीसरे तरीके में आपको क्या करना है, ये जो हमने लगाया था लो वाटर लाइन के जस्ट ऊपर से इस तरीके से विंग्स बनाएंगे एंड इसमें मिला देंगे और इसको फील करेंगे। एंड सेकंड, इसी लाइन के जस्ट पास से एक और लाइन बनाते हुए लेके आएंगे और लो वाटर लाइन का जो लाइनर है उसके साथ मिला देंगे। तो ये वाला भी काफ़ी प्यारा लगता है एंड ब्राइडल के ऊपर इसको कर सकते हो। कई केसेस में क्या होता है कि जो हमारा लाइनर होता है वो आपस में मिक्स हो जाता है, या फिर जैसा लोग हम लोग चाहते थे वैसा नहीं मिलता है। उस केसेस में आपको क्या करना है, आपको लेना है 0 नंबर वाला ब्रश एंड लेना है अपना आई शेडो पैलेट। ओके, आई शेडो पैलेट में से आपको वाइट कलर का आई शेडो पिक करना है, बिल्कुल ज़रा ज़रा सा, ज़्यादा नहीं लेना है। एंड आपको आपने जो ये बनाया है इसके जस्ट बीच में से आई शेडो को लगा देना, इससे जो आपका लाइनर का लुक है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा और कहीं से ऊपर नीचे हुआ होगा तो वो भी मैनेज हो जाएगा। इस लाइनर लुक के साथ आप वाइट काजल ही अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा और खूबसूरत लुक देखने ध्यान दीजिए। ओके ओके, अब आती है हमारी चौथे तरीके की आई लाइनर की। चौथे तरीके में आप क्या करोगे, आपको पहले विंग को साफ करना पड़ेगा फिर बताते हैं। सॉरी, ये विंग्स मैंने हटा दिया। कभी भी लाइनर हटाने के लिए गीले आई लाइनर का नहीं पोछना है, लाइनर सूख जाने के बाद किसी सूखे कपड़े को लेके इस तरीके से आप पोछ सकते हैं। तो चौथी तरीके के आई लाइनर में आपको इस तरीके से विंग्स को हटा देना है एंड मिरर को ले लेना है, यहाँ से हल्की सी विंग्स बनाएंगे और नीचे से भी। ओके, अब क्या करना है, इस तरीके से बनाना है। कुछ इस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट कर देना है एंड जो लास्ट पॉइंट में हमने बनाया था उसकी विंग ऊपर को लेके जाना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है और काफ़ी प्यारा भी लग रहा है। नीचे वाली जो लाइन हमने लगाई है वो थोड़ी पतली लग रही है, उसको थोड़ा सा
चौड़ा करेंगे जिससे कि परफेक्ट शेप दिखाई दे जो हमें एक्चुअल में चाहिए था। ओके तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक में है एंड काफ़ी प्यारा लग रहा है। इस वाले लाइनर में आपको नीचे का जो लो वाटर लाइन का काजल है उसको थोड़ा सा चौड़ा करना है। एंड ये देखिए अब हमको यहाँ पे एक विंग और बनाना है क्योंकि थोड़ा सा नीचे में कम लग रहा है इसलिए। और आपको नीचे में डॉट डॉट कर देना है जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा लुक आ जाए इस लाइनर का। और इनर कॉर्नर पे आपको बना देना है जिससे कि जो आपका लाइनर का लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। हालांकि ये सब लाइनर का जो लुक है वो नॉर्मल वे में हम लोग नहीं यूज करते लेकिन आप सीरियल्स में या फिर फिल्म वगैरह में देखोगे तो इस तरीके का लाइनर वगैरह चलता है और काफ़ी अट्रैक्टिव एंड खूबसूरत लगता है। तो आपको कैसा लग रहा है, आप चाहो तो ऊपर की तरफ भी डॉट डॉट लगा सकते हो। तो ये थे आज के 4 अलग अलग तरीक़ों से लाइनर लगाने के डिफरेंट डिफरेंट वे एंड परफेक्ट वे में मैंने बताया है। कौन सा लाइनर का तरीका आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें भी लो वाटर लाइन को थोड़ा सा चौड़ा जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इस तरीके के अमेजिंग हैक्स एंड टिप्स देखने के लिए ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनको भी ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, सीखनी है, पार्लर की बारीकियाँ जाननी है वो आराम से सीख पाए घर बैठे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमारा ख्याल रखिए। बाय बाय।